हेलो एवरीवन। सो इन द सीरीज ऑफ द PYQ क्वेश्चंस, इन टुडेज वीडियो आई हैव टेकन ए वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी सी द PYQ नंबर 12। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 50%, एज्यूमिंग दैट द मैग्नेटिक सर्किट रिमेन्स अनसेचुरेटेड, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स विल बी। ऑप्शन ए, रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू, चेंज टू 0.5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, चेंज टू 1.5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, सो नाउ विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब यहाँ पर बोल रहा है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो मान लेते हैं हम कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये कितना इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ है 50%। ओके, एंड बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 50%, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हुआ है, 50% रिड्यूस्ड हुआ है। एज्यूमिंग दैट द मैग्नेटिक सर्किट रिमेन्स अनसेचुरेटेड, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स विल बी। तो बेसिकली मैक्सिमम कोर फ्लक्स का रिलेशन हमको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यदि हम यहाँ पर जो हमें ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन मालूम है, यदि हम उसके रिस्पेक्ट में देखें तो हमें क्या मालूम है, E = will be given as 4.44 फ्लक्स फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, So here I can define you that the induced EMF will be the RMS quantity, and this phi is the maximum value, the maximum core flux there. Okay, frequency, this is the number of turns. तो अभी हमको यहाँ पर बोल रहा है, यदि हम यहाँ से relation निकालें तो E/F डायरेक्टली वी कैन से इज बिकम अबाउट 5 m, ले सकते हैं यहाँ पर से। अब आप देखिए कि यदि हम ये बोलें कि जो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना इंक्रीज हुआ, 50% टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी कितना कम हो गया, 50% टाइम्स, राइट। तो आप देखेंगे यदि हम इसको यहाँ पर बोलें φm प्रोपोर्शनल टू E/F, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इंड्यूस्ड EMF है, यह हम अप्लाइड वोल्टेज बोलें यहाँ पर, तो वो कितना इंक्रीज हुआ, 50% टाइम्स। अब मान लेते हैं कि इनिशियल कितना है, 100%, तब ये कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना इंक्रीज हो गया इनिशियल वैल्यू का, 50% इंक्रीज हुआ, ये कितना हो जाएगा, 150। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितना कम हुआ, 50%, तो 100 का 50 कम हो जाएगा, कितना होगा, 50। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर से, ये आ जाएगा, यदि हम बात करें, सो दिस बिकम व्हाट, 3 × E/F। मतलब जो प्रीवियस क्वांटिटी है, यदि हम ये φm-m कर लें, तो यदि हम ये प्रीवियस जो इसकी क्वांटिटी से उससे कंपेयर करें, तो जो φm- होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द φm। ओके, सो कितना चेंज हुआ कोर फ्लक्स में, 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो by the variation in the applied voltage to the 50% while it increases and the frequency reduces to 50%. Okay, so ultimately the maximum amount of the core flux will becomes the 3 times the original one. Okay, so the option D will be the answer for this particular problem. Thank you.